आप देख सकते हैं लंदन कितना पुरामन इलाका है। यहाँ पर ये बर्ड्स आप देख ले, ये भी इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कबीर अफरीदी और मेरे साथ आमिर खान अफरीदी। हमारा इरादा है 22 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक यूके का ट्रिप है। इंशाल्लाह अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनको हम हिस्ट्री भी दिखाएंगे, टूरिज्म भी दिखाएंगे और एंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिए। अच्छा, 30 मिनट में लैंडिंग होगी हीथ्रो एयरपोर्ट पर और फिर हम आपको दिखाएंगे लंदन के नज़ारे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन और अब से थोड़ी देर बाद हमने निकलना है बाहर और फिर आपके साथ शेयर करेंगे लंदन के नज़ारे। हीथ्रो एयरपोर्ट पर हमें हमारे कज़न ज़ियाउल हक अफरीदी ने रिसीव किया। अब जा रहे हैं ज़िया, एयरपोर्ट से किधर रवाना हुए हम? जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो इन दोनों को खुश आमदीद लंदन आने पर और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं होटल ईस्ट लंदन और इनकी यहाँ पे स्टे जो है 14 दिन की स्टे है और इंशाल्लाह इनमें इस दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट, ज़्यादा से ज़्यादा यूके के बारे में जितने मालूमात है, जितने स्पॉट्स है या टूरिस्ट अट्रैक्शन जितने भी है वो इनको इंशाल्लाह हम वहाँ पर लेकर जाएंगे। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मोहिबुल्ला अफरीदी ने, डॉक्टर मोहिब भी साथ देंगे हमारा इस ट्रिप में। रेडी हो गए, फ्रेश हो गए, प्लान क्या है हमारा? इंशाल्लाह सेंट्रल लंदन जाएंगे और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाएंगे, उधर से विंटर वंडरलैंड एक मेला सा है वहाँ पे सर्कस नुमा टाइप का, वहाँ पे इंशाल्लाह जाएंगे, फिर अजमेर रोड में इंशाल्लाह डिनर करेंगे, तो होपफुली यू गाइस विल एंजॉय। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, यहां पर शॉपिंग्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके साथ, तो हम चलते हैं वॉक करेंगे इस स्ट्रीट में और आपको दिखाएंगे स्ट्रीट की रंगीनियां। आप शंघाई में बंद एरिया नानजिंग कुछ इस तरह माहौल है अब इस तरह का तो नहीं है, तो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू बंद, लेकिन अभी शुरुआत है हमारे ट्रिप के और उम्मीद है कि मजीद भी हम इंजॉय करेंगे। बहुत एंजॉय किया, बहुत हलचल है, सारे लोग निकले हैं और हर तरफ खुशियां ही खुशियां है।
हम पिकेडिली सर्कस पहुंच चुके हैं. देख सकते हैं बड़ा बिजी स्क्वायर है, जिस तरह न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है और शंघाई में नानजिंग लू है. तो ये भी बड़ा पॉपुलर एरिया है यूके में. और इस वक्त हम हैं चाइना टाउन में. अच्छा, जो भी ट्रैवलिंग के शौकीन हजरात हैं तो उनके लिए मैं बात ऐड करना चाहता हूँ कि लंदन बहुत ही एक्सपेंसिव है, चाहे एकोमोडेशन हो, फूड हो या फिर टैक्सी ट्रांसपोर्टेशन. इसके अलावा ट्रेन बसेस जो इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो रिलेटिवली फिर सस्ते है. लेकिन अगर आप ऊबर या टैक्सी वगैरह यूज़ करेंगे, स्पेशली जो ब्लैक लंदन टैक्सी है वो इंतहाई महंगा है. ऊबर फिर रिलेटिवली सस्ता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में फास्टेस्ट भी है और चीपेस्ट भी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पेशली जो ट्रेन हैं इनके. आमिर, टेस्ट किस तरह है? टेस्ट तो बस हमें पेशावर की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि पेशावर से अच्छा हमें मिल रहा है टर्किश रेस्टोरेंट में. क्या फीलिंग है आपके? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे कज़न ज़िया मेरे पास आए हुए हैं लंदन, तो मुझे इन चीज़ों की इतनी खास कोई परवाह नहीं है. गुड मॉर्निंग, दूसरा दिन हमारा इंग्लैंड में, लंदन में ये मॉक्सी होटल में तैयार हो रहे हैं आप देख सकते हैं. और इसके बाद फिर क्या एक्टिविटीज़ होगी हमारी आपके साथ शेयर करेंगे, रहिएगा हमारे साथ. यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा. चार ममालिक है इनका यूनियन बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स. ये चार इकट्ठे होकर ये बन गया है यूनाइटेड किंगडम. इंग्लैंड का बल्कि पूरे ये यूनियन का दारुल खिलाफा लंदन है. लंदन है इस वक्त मौजूद भी हम लंदन में है. थिंग्स टू डू इन लंदन, हम क्या क्या कर सकते हैं लंदन में. हम तीन और एक जिया आने वाला है. हम आपको दिखाएंगे यूके का पूरा ट्रिप. 12 दिन होंगे हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स में. और आपको एक ज़रूरी जो दोस्त यहाँ पर आना चाहते हैं उनके नॉलेज में लाने के लिए, लंदन के करेंसी का नाम है पाउंड. बड़ा नोट जो है इसका 50 है. और आमिर भाई, 1 pound इज इक्वल टू 203 PKR जो हमने दिसंबर में हमने परचेज किया है, 1 pound 203 rupees के बराबर है. टावर ब्रिज पर हूँ, लंदन का सबसे मशहूर तरीन सीनिक स्पॉट जो कि इंग्लैंड की आइडेंटिटी है, लैंडमार्क है, पूरी यूनाइटेड किंगडम की पहचान है. इस
طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم یونائٹڈ کنگڈم کے سب سے مشہور ترین اسپاٹ پر ہیں. ٹاور برج ہے, بڑا تاریخی ہے, اور جو بھی سیاحت ہے سب سے پہلے اس جگہ پر آتے ہیں. یہ تقریباً لندن کا اب لینڈ مارک بن چکا ہے. جو بندہ اگر یہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں ایک پکچر اپلوڈ کروں جس میں ہر ایک بندے کو اندازہ ہو کہ میں کس جگہ پہ ہوں, تو وہ ٹاور برج کا لے کے ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ لندن میں یہ بندہ تھا. عامر کس طرح لگ رہا ہے انگلینڈ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور الحمدللہ ہم بھی تھوڑا بہت گھومے ہیں, لیکن جو مجھے لگا یو کے کا موسم اور یو کے کے لوگ, اور پھر خصوصاً سینٹرل لندن, تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ہسٹری بھی ہے, ٹور بھی ہے, اور بہت امیزنگ ہے. صاف ستھرا ماحول, لوگ بھی بڑے اچھے, تو ہائی سویلائزیشن کے لیے اگر جگہ مشہور ہے دنیا میں تو وہ ہے انگلینڈ. ہماری کوشش ہے کہ اس ٹاور برج میں اوپر بھی جائیں, اور اوپر سے بھی آپ کو دکھایا اندرونی کیا ہے اس میں وہ بھی شیئر کریں ویورز کے ساتھ, خود بھی دیکھیں. ہاں عامر بھائی, بہت بڑی تاریخ ہے اس برج کا. After that, make your way into two walkways. You've got two different views, one over East London, one over City of London. ہم اس وقت برج میں اندر آ چکے ہیں, اوپر آ گئے ہیں, یہاں پر ہسٹری ہے, اندرونی منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم باہر جائیں گے, آپ کو دکھائیں گے ارد گرد ڈاؤن ٹاؤن کے نظارے. برج کے درمیان دو راستے ہیں, ایک سے لندن, ایک ایسٹ لندن ویو کے لیے, اور یہ والا سینٹرل کے لیے. دو کوریڈورز بنے ہوئے ہیں. چھوٹا سا گلاس ہے جس سے آپ نظارے کر سکتے ہیں نیچے ریور کے, اور سیاح بڑے شوق سے آتے ہیں یہاں پر. یہاں پر آ کر دیکھ لیا ہم نے بہت کچھ انفارمیشن برج کے حوالے سے, اور کلیئرلی ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اس وقت بھی بڑے محنت کش ہیں. بالکل, یہ برج جو ہے 1886 میں بن چکا ہے, مطلب آج سے کوئی 150 سال پہلے, تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سوچ, یہ کتنا تجربہ رکھتے تھے اس ٹائم انجینئرنگ کے فیلڈ میں. ایسا ایک برج جو وداؤٹ الیکٹریسٹی یہ کھلتا ہو, بڑی بڑی جو بحری جہاز ہیں ان کے لیے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید کیا ہے. انجن روم ہم نے جانا ہے, اور کس طرح آپریٹ کیا جاتا تھا, ان پلوں کو کس طرح کھولا جاتا تھا, وہ ہائیڈرو انجن جو ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس وقت. اس وقت ہم انجن روم آ چکے ہیں. اس دور میں کس طرح اس برج کو کھولا جاتا تھا, جو مشینری ہے, جو انجن ہے, یہاں پر ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کو بھی دکھاتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ. We'll be right back.
तस्वीरों में सिर्फ एक पुल नजर आ रहा था, लेकिन पुल के अलावा भी इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, इनके जहन, इनकी सब कुछ यहाँ पर जाहिर होती है। आमिर भाई, पुल भी हमने देख लिया, ऊपर रास्ते भी हमने देख लिए, बड़ा अजीब रीजन। 1894 में इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, यकीन करें अभी भी जो बाद ममालिक है ये अभी भी नहीं बना सकती, ये जो टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने 1894 में इन्होंने बनाई है। मेरे बैग पे है थेम्स रिवर है, छावर ब्रिज है, और मोहिब भाई इसके को क्या कहते हैं? ये क्वींस वॉक है, यहाँ पे मेयर का, लंदन की जो मेयर है उनका ऑफिस है। इसी तरह पीछे जो है हमारे बैक साइड पे टावर ऑफ लंदन कैसल है, और तकरीबन सभी अट्रैक्शंस काफी करीब है यहाँ के। और आमिर भाई किस तरह लगा, इससे पहले आप जर्मनी वगैरह ममालिक जा चुके हैं, लंदन में सियाहती मकामात देखकर, सियाह को देखकर क्या एक्सपीरियंस है आपका? बिल्कुल, ये तो हम कह सकते हैं कि सयाह के लिए, टूरिज्म के लिए बिल्कुल सबसे फेवरेट हमारे लिए ये जगह है, और काफी लोग हैं आजकल। हम आगे जाएंगे और यही वो फेमस तरीन इलाका है जहाँ पर हर सयाह की कोशिश होती है कि आए तस्वीरें बनाए। इस एरिया का नाम है हैज गैलरी। हैज गैलरी में भी रश बहुत ज्यादा है, सयाह बहुत ज्यादा आए हुए हैं। अच्छा, इसमें आप मिस्टेक ना कीजिए, इस वक्त हम जिस ब्रिज पर खड़े हैं ये है लंदन ब्रिज, और वो फेमस पॉपुलर जो लैंडमार्क है इंग्लैंड का या यूके का वो है टावर ब्रिज, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। मेरे बैक पे ये खूबसूरत इमारत आपको नजर आ रही है, ये है बीबीसी का बिल्डिंग, यहाँ पे हेड ऑफिस है इनका। इसके बैक पर यूके का बुलंदतरीन इमारत शायद भी है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं लंदन आई, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और वहाँ से भी आपको नज़ारे दिखाएंगे इस खूबसूरत शहर के। जिस तरह हमारा प्लान था आज ट्राई करने को लंदन आई, तो हम क्यू में खड़े हैं और अब से थोड़ी देर बाद फिर हमको दिखाएंगे नज़ारे डाउनटाउन। देख सकते हैं लंदन में अगर एक मस्ट टू डू थिंग है तो लंदन आई है। इस वक्त हम आ चुके हैं बड़ा
खूबसूरत नज़ारे हमें दिख रहे हैं इर्द गिर्द, किस तरह फील हो रहा है, दोस्तों से भी हम सुनना पसंद करेंगे। पूरा लंदन हमें नज़र आ रहा है, वाकई लंदन आई है, यानी हमें पूरा लंदन नज़र आ रहा है, ईस्ट है या वेस्ट है, सेंट्रल लंदन है और काफ़ी जो फेमस जगह है सारे हम देख रहे हैं यहाँ से। बड़े कम टाइम में लंदन आई जो है, इसने अपना नाम सारी दुनिया में जितने भी टूरिस्ट हैं उनमें इसका नाम फेमस हो चुका है, और अब हर एक बंदा जो लंदन आता है तो लंदन आए एक्सपीरियंस मस्ट करता है। तो ज़िया का भी फर्स्ट टाइम, ज़िया का मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे लंदन में 4 साल हो गए और इनकी वजह से लंदन आए। लंदन आए का एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़बरदस्त रहा, हमने बहुत इंजॉय किया, और जब भी आना हुआ आपका लंदन तो ज़रूर ट्राई कीजिए, यही मस्ट डू इन इंग्लैंड में, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको करने को। थोड़ा कॉफ़ी का मूड है क्योंकि मौसम यहाँ पर बहुत ठंडा है, और कॉफ़ी के बाद फिर हमारा प्लान है हॉट चॉकलेट अच्छा होगा मेरा। यस, हॉट चॉकलेट ट्राई करेंगे और फिर प्लान होगा हमारा क्रूज के जरिए। रिवर टेम्स में होगा, 45 मिनट का ट्रिप होगा, और ये आप देख भी सकते हैं इस वक्त हो रहा है गुजर एक क्रूज का। फिर स्टेशन भी विजिटर्स के लिए ऐड करना चाहूँगा, लंदन आई के बिल्कुल साथ ही फिर स्टेशन है, आपने टिकट ऑनलाइन बुक कराना हो या काउंटर पर लेना हो तो यहाँ भी आप इजीली आ सकते हैं। रेडी है, आगे फेरी का ट्रिप थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और फिर हम आपको दिखाएंगे थेम्स रिवर के नज़ारे। हम थेम्स रिवर में जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त फ्रेंडली माहौल है, नज़ारे भी बड़े सुखीज हैं। बेशक हुए फिर के जरिए थेम्स रिवर में, लंदन ब्रिज भी देख लिया और टावर ब्रिज भी हमने देख लिया, और अब वापसी है, इंशाल्लाह 15-20 मिनट में वापस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा लेफ्ट राइट में काफी बिल्डिंग देख ली, वो तो आप भूल गए वो भी इन्होंने भी देखी। Thank you.
को बहुत इजी बनाया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा इजी हो चुका है। अंडरग्राउंड ट्रेन जो है इसके जरिए बिल्कुल एक नेटवर्क है ट्रेन का, तकरीबन लंदन का नाम आप हर एक जगह विद इन लाइक शायद 10 मिनट भी आपको वॉक करना ना पड़े, अगर फिर भी कई कुछ जगहों में ज़्यादा वॉक करने की जरूरत है तो वहाँ पे फिर इनका बस सर्विस है जो फेमस बस है इनका, जो सफ़र आधे घंटे में गाड़ी के जरिए होता है वो शायद 5 या 10 मिनट में। ये वो इलाका है, वो स्ट्रीट है, वो जगह है जो कि अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं। पार्क लेन जो रोड था बड़ा, उससे हम टर्न होके एवन फील्ड के फ्रंट पर हैं और बार बार हमें ये जगह देखने को मिलती है जब यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हसन नवाज शरीफ, इनकी रिहाइशगाह है। इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं विंटर वंडरलैंड में और जिया के कहने के मुताबिक ये सिर्फ विंटर में होता है। जिया विंटर में जस्ट 21 नवंबर से लेके 5 जनवरी तक ये होता है और फिर ये सब कुछ यहाँ से उठा के ले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस है विंटर में जो यूके के विजिटर्स हैं उनके लिए। मुहैब, अगर किसी विजिटर ने आना हो यहाँ पर तो किस तरह पहुँचेंगे? अच्छा, लोकेशन इसका हाइट पार्क में, हाइट पार्क लंदन में बहुत मशहूर है, हर एक बंदा जानता है, तो हाइट पार्क में ये विंटर में लगता है और मेरे ख्याल में इजीली आप पहुँच सकते हैं वाया विंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इसके थ्रू। जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, जब भी आना हुआ लंदन तो जरूर आइएगा इस पार्क में। मोहिब, जरा पार्क का नाम विंटर में होता है, विंटर वंडरलैंड नाम है इसका। विंटर वंडरलैंड जरूर आइएगा और खूब मजे उठाइएगा यहाँ से। और ये हम खैरियत से आ गए वापस। हम पहुंच गए इस वक्त रेस्टोरेंट का नाम है रॉयल नवाब। तो यावर भाई से हम पूछेंगे कि सेंट्रल लंदन से 40 मिनट ड्राइव करके हम यहाँ पर पहुंचे, ऐसी क्या खास बात है यहाँ पर? ये जो है ये यूके का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, इनकी एक ब्रांच मैनचेस्टर में है और एक लंदन में है और ये पाकिस्तानी बेस्ट रेस्टोरेंट इन द यूके है। आप इसमें जाएंगे, अंदर जाके एंजॉय करेंगे, ऐसी चीज़ें आपको कहीं में भी यूके से नहीं मिलेंगी जो इनके खाने में है, ये आपको अपनी तरफ खींचते हैं। हम यहाँ पे बहुत दफ़ा आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो एक दफ़ा आता है वो दोबारा इधर ज़रूर आता है। तो ठीक है, चलते हैं, हम भी अंदर मंजर भी दिखाएंगे, टेस्ट का भी आपको बताएंगे कि किस तरह है, रहिएगा हमारे साथ।